Together, that means what? Right. This is my right hand. This is my right hand. So, this is the sentence. Okay, moving ahead to our next word, which is dear. And again, dear. This is also dear and this is also dear. But, as we know, homophones, the sound is same, but the spellings and the meanings are different. So, देख लेते हैं इसका अर्थ क्या है? ये dear है, प्रिय, है ना? My son is very dear to me. मेरा जो पुत्र है, मेरा जो बेटा है, वो मुझे बहुत प्यारा है, ना? वो मुझे बहुत प्रिय है. और dear, ये कौन सा dear है? ये तो जंगल में रहता है. इसे हम क्या कहते हैं? हिरन. आपने हिरन देखा है? नहीं देखा है? चलिए फिर तो zoo भी जाना होगा हमें. तो कभी हम लोग अपनी स्कूल ट्रिप भी ले जा सकते हैं. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट और उम्मीद करते हैं कि हम लोग हमारे बच्चों को एक बार ज़ू घुमाने ले जाएंगे. फिर हम वहाँ पे डियर देखेंगे और भी बहुत सारे एनिमल्स देखेंगे. तो बढ़ते हैं आगे अपने अगले शब्द की ओर. ओहो, ये तो बहुत ही खतरनाक वर्ड है. इसका अर्थ है, पहले तो वर्ड जान लेते हैं क्या है. डाई. ओ, डाई मतलब मरना. डाई मतलब मरना. और ये कौन सा डाई है? ये डाई है यानी रंगना. डाई, जैसे आपने देखा होगा ना, कभी कभी दादाजी दादी जी जो है वो अपने बालों को डाई करती है, है ना? कपड़े जो कपड़े रंगने वाले होते हैं ना, वो लोग कपड़ों को भी रंगते हैं. उसको भी हम कह सकते हैं डाई करना. तो देख लेते हैं इसका सेंटेंस क्या होगा. डाई, डाई यानी पीपल आर डाइंग ड्यू टू कोरोना, है ना? वी हैव टू बी सेफ, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हैव डाइड ड्यू टू द कोरोना वायरस. तो हमने देख लिया डाई का इस्तेमाल भी हमने कर लिया. अब हम देखते हैं ये डाई, है ना? माय ग्रैंडफादर डाइज हिज हेयर्स विद ब्लैक कलर. ओके, तो हमने ये डाई का भी इस्तेमाल कर लिया. बढ़ते हैं अपने अगले शब्द की ओर, जो है वेस्ट. यस, डब्ल्यू ए एस टी, वेस्ट. और जो दूसरा उसका होमोफोन है, डब्ल्यू ए आई एस टी, वेस्ट. इस वेस्ट का अर्थ होता है बर्बाद करना, है ना? वी मस्ट नॉट वेस्ट फूड, यानी हम लोगों को खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए. आगे बढ़ते हैं, जो इसका होमोफोन है, इसका अर्थ है कमर. वेस्ट इज वॉट